गंज बासुदा वेदांत आश्रम के महंत द्वाराचार्य जगत गुरु डॉक्टर रामकमल दास वेद जी ने उदयपुर पहुंचकर नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन किए और की पूजा अर्चना। भगवान महादेव को जलाभिषेक कर आरती की एवं क्षेत्र के विकास सुख समृद्धि के लिए भगवान नीलकंठेश्वर महादेव से प्रार्थना की। डॉक्टर वेदांती ने मंदिर भ्रमण के दौरान बताया कि मंदिर के ऊपर बने यंत्र की आकृति संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहीं नहीं होगी, यह बड़ी अलौकिक है। वेदांती ने बताया कि हिंदू सनातन धर्म में जब हम कोई भी पूजन अर्चन या फिर यज्ञ करते हैं तब हम एक चावल से यंत्र बनाते हैं, वही यंत्र इस मंदिर के ऊपर बना हुआ है जो क्षेत्र की सुख समृद्धि उन्नति का प्रतीक है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जी, श्री यंत्र का आकार है जो अपने आप में संपूर्ण क्षेत्र को, लेकिन ये जो पंपा सरोवर है वो भोपाल का तालाब है जी। हाँ, यहाँ पर वो बाली सुग्रीव का युद्ध वगैरह हुआ था, इसलिए आप विदिशा में देखोगे तो रामचरण तीर्थ है, जहाँ जहाँ रामचरण चल जाएगी जी, जी। तो इस प्रकार से करके हुए और छत्तीसगढ़ तरफ राम जी का ममियारा आ जाता है, तो मध्य प्रदेश में ही था तो वहाँ पर रामपथ गमन भी बोलते हैं। हाँ, लाना सरकार का कर्तव्य होता है पर्यटक, विदेशी पर्यटकों के सामने और प्राकृतिक पर्यावरण चारों तरफ से सजाया जाए, और तो यहाँ के लोगों को मतलब तमाम पर्यटक भी आएंगे, होटल भी यहाँ अच्छे चलेंगे और भगवान जी के सानिध्य में उन लोगों का अध्यात्म के साथ साथ में भौतिक बात को अपने आप ही तरक्की मिल जाती है। प्रतिनिधियों से उम्मीद कम है, जैसे साधु संतों से ज्यादा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।